शुरू करता हूं अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु रसूल सल्ला वसल्लम ने फरमाया हर भलाई सदका है और भलाई ये भी है कि तुम अपने भाई से खुश मिजाजी के साथ मिलो और अपने डोल से उसके डोल में पानी डाल दो वज़ाहत इस हदीस से मालूम हुआ कि सिर्फ माल ही खर्च करना सदका नहीं है बल्कि हर नेकी सदका है चुनाचे अपने डोल से दूसरे भाई के डोल में कुछ पानी डाल देना भी सदका है और दूसरे मुसलमान भाई के सामने मुस्कुराना भी सदका है हजरत उमुल कहती हैं कि रसुल्ला के नज़दीक झूठ से बढ़कर कोई और आदत नफरत के काबिल नापसंदीदा नहीं थी और जब कोई आदमी नबी अक्रम सम के पास झूठ बोलता तो वह हमेशा आपकी नजर में काबिल नफरत रहता यहाँ तक कि आप जान लेते कि उसने झूठ से तौबा कर ली है हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजिलान कहते हैं कि वसल्लम ने फरमाया सच बोलो इसलिए कि सच नेकी की तरफ रहनुमाई करता है और नेकी जन्नत की तरफ रहनुमाई करती है आदमी हमेशा सच बोलता है और सच की तलाश में रहता है यहां तक कि वो अल्लाह के नज़दीक सच्चा लिख दिया जाता है और झूठ से बचो इसलिए कि झूठ गुनाह की तरफ रहनुमाई करता है और गुनाह जहन्नम में ले जाता है आदमी हमेशा झूठ बोलता है और झूठ की तलाश में रहता है यहां तक कि अल्लाह के, अल्ला के नज़दीक झूठा लिख दिया जाता है वजाहत मालूम हुआ कि हमेशा झूठ से बचना और सच्चाई को इख्तियार करना चाहिए क्योंकि झूठ का नतीजा जहन्नम और सच्चाई का नतीजा जन्नत है दोस्तों अल्लाह ताला हमें इन अहादी से मुबारका पर अमल करने और अपनी जिंदगियों को सवारने की तोफ़ी कदा फरमाए